Hello students, today I'm going to show you how to fill IRCC web form. First of all, I want to tell you, ये web form उन students को fill करना mandatory है जिन्होंने September 2020 intake के लिए Canada study permit apply किया था, लेकिन उन्होंने किसी भी कारण से ये अपना intake January 2021 में शिफ्ट कर लिया है और उनको नया LOA मिल चुका है, तो वो इस वेब फॉर्म के थ्रू अपना न्यू LOA कनाडा हाई कमीशन को सेंड कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन अपडेट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जून, जुलाई या अगस्त में कनाडा स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया, लेकिन अगर उनको अभी तक उनका डिसीजन नहीं मिला है, तो वो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सपीडिएट करने के लिए भी इस वेब फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और लेटेस्ट स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू IRCC ऑफिशियल वेबसाइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, एंड व्हाट आई एम राइटिंग इज वेब फॉर्म कनाडा इमिग्रेशन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड आई गेट मैनी लिंक्स। मैंने स्क्रॉल डाउन किया, IRCC वेब फॉर्म पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया है। एंड आई एम गोना शेयर यू दिस लिंक ऑल्सो। नाउ अब आपने इस वेब फॉर्म, ये खुल चुका है। नाउ अब आपको इसको फिलअप कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दिस क्वेश्चन हेयर, टाइप ऑफ एप्लीकेशन और इंक्वायरी। हेयर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे टेम्परेरी रेजिडेंस। प्लीज़ नोट, ये जो आपका वीज़ा होता है स्टडी वीज़ा, दिस इज़ अ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। सो टेम्परेरी रेजिडेंस अप्लाइड ऑनलाइन को मैंने सिलेक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला दिस क्वेश्चन, इसका हम आंसर करेंगे टाइप ऑफ एप्लीकेशन और इंक्वायरी। टाइप ऑफ एप्लीकेशन अगेन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, दिस इज़ टेम्परेरी रेजिडेंस अप्लाइड ऑनलाइन स्टडी परमिट। नाउ हेयर आपको ये इंक्वायरी अपनी टाइप करनी है इन इंग्लिश और फ्रेंच। यू हैव 1500 कैरेक्टर्स, राइट। तो हमने एक मैसेज बनाया हुआ है आपके लिए, वो मैं इधर डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज़ अ डमी मैसेज, आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन ऑन 20th of June 2020. My online classes are starting from 20th September and kindly give me first stage approval so that I can start my classes online. Thanks and regards. Now students, अब आपको नीचे दी गई information fill करनी है, that is family name, given name as per your passport. अगर आपके passport में फैमिली नेम या लास्ट नेम नहीं भी है, तो आप अपने गिवन नेम को ही दोनों जगह आप फिलअप कर दें। मैं एक डमी नेम यहाँ पे फिलअप करने जा रहा हूँ, दैट इज़ ASD। नाउ ईमेल एड्रेस, एक डमी ईमेल आईडी मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। जिन कॉलम्स में स्टार लगा हुआ है वो हमें फिल करने पड़ेंगे। नाउ हेयर डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ, एक डमी डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिलअप कर दिया। नाउ कंट्री ऑफ बर्थ, दैट इज़ मैं इंडिया फिल करने जा रहा हूँ। नाउ हेयर यू हैव टू टेक केयर, ये आपको यहाँ पे अपना क्लाइंट आईडी, दैट इज़ UCI नंबर और एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। UCI नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? UCI नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो ये आपका ऑनलाइन अकाउंट जब आप ओपन करते हैं, तो वहाँ से जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वहाँ वो आप वहाँ पे आपको UCI और एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने अप्लाई किया था और आपके पास
आपने अकाउंट का एक्सेस नहीं है, इवन देन दिस इज नॉट मैंडेटरी टू फिल हेयर, इन दैट केस आप जो ऊपर इंक्वायरी है यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन कर दीजिए, ठीक है, तो यूसीआई नंबर और एप्लीकेशन नंबर आप फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए। मैं एक डमी यूसीआई नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एंड देयर इज अ स्पेस जो आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ, अगेन अ डमी मोबाइल नंबर। नाउ वी विल आंसर दिस सेक्शन, इंक्वायरर इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट, ऑलवेज फिल एप्लीकेंट हेयर, एंड अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एजेंट अगर ये फॉर्म फिल कर रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव या स्पॉन्सर फिल कर सकता है। फैमिली नेम, गिवन नेम और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। नाउ वी आर ऑल डन, एंड में मुझे बस यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, ये मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर रहा हूँ, एंड आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, वुड हेयर यू विल गेट ए मैसेज, वुड यू लाइक टू इंक्लूड ए डॉक्यूमेंट विद योर सबमिशन, और इफ़ यू क्लिक ऑन येस तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी नई LOA आ चुकी है तो आप यहाँ पे उसको अटैच कर दीजिए। चूज फाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे, हमने डेस्कटॉप पे एक डमी फाइल रखी हुई है LOA नाम की, तो मैं उसको अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ आई क्लिक ऑन अपलोड बटन, ये अपलोड हो चुका है। मैक्सिमम साइज परमिसिबल इज 2 MB। नाउ इफ वी क्लिक ऑन सबमिट बटन तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल, और काइंडली आप स्टडी वीज़ा, लेटेस्ट स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इन द एंड आई वॉन्ट टू विश यू अ वेरी वेरी गुड लक, एंड थैंक यू वेरी मच।